है कि माता लक्ष्मी की विशेष रूप से झाड़ू की पूजा की जाती है। दीपावली धनतेरस में लोग पूजा करते हैं, अगहन गुरुवार में भी, यदि आप अगहन गुरुवार रहते हैं तो बुधवार को ही अपने घर की लोग सफाई कर लेते हैं। गुरुवार के दिन अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, ना ही कपड़े धोते हैं, ना ही कोई साफ सफाई करते हैं। तो आप भी ऐसा करें, यदि आपने झाड़ू की कीमत को समझा तो माता लक्ष्मी का पास सदा रहेगा। आपके घर की जो पुरानी झाड़ू रहती है टूट जाती है तो आप कहीं भी फेंक देते हैं, उसे ऐसा ना करें। आप पुरानी झाड़ू को एक जगह स्थान में रख दें, फिर किसी भी विशेष दिन में उसको सबको ले जाकर आप कहीं बाहर फेंक दें और फिर नई झाड़ू का उपयोग करें। अपनी झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसको आप अच्छे से छिपा कर रखें, सबके सामने ना रखें, नहीं तो कोई आपके घर से उठा ले जाएगा तो समझ लो वह आपका भाग्य ले गया। इसलिए झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जब भी आप झाड़ू लगाते हैं अपने घर में सुबह, तो सूर्योदय के बाद आप झाड़ू लगाइए और शाम को सूर्यास्त के पहले झाड़ू लगाइए, तो आपके घर सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओम साईं राम।